तो आपको चर्च गेट रिटर्न लेना है, आप जहाँ से भी रहते हैं वहाँ पे चर्च गेट का टिकट लेना है, जहाँ से भी रहते वहाँ से रिटर्न लेना है। दोस्तों अभी हम चरनी रोड पे हैं, ये देखिए आप, तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पे हैं गिरगांव पे, देखिए बेस्ट है गिरगांव भी, बीच भी मेरे हिसाब से ये भी बेस्ट है। मरीन, आपने मरीन के दो ब्लॉग निकाले तो मैंने सोचा इस बार मरीन का नहीं, इस बार गिरगांव का ही होगा, तो मैंने बना लिया है, बना रहा हूँ अभी भी। दोस्तों लॉकडाउन की वजह से बीच पे इतना रैली भी नहीं है और पूरा खाली खाली है, नहीं तो यहाँ पे बहुत यार मतलब बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है, भीड़ भी रहती है। लेकिन यार लॉकडाउन की वजह से बहुत फाइनेंशियल इफ़ेक्ट पड़ा है और जो लोग हैं वो नापसंद ही दे रहे मालूम नहीं, लेकिन अपन तो आ रहे हैं, एकदम देखो एकदम खाली खाली है, देख सकते बर्ड्स, बेस्ट व्यू आ रहा है यहाँ पे, बेस्ट लगता है। और बाप रे, वो देखो कैसे स्विम कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के, बर्ड्स दिख रहे होंगे नहीं मालूम नहीं है, मैं भी अपने दिखने चाहिए। ये बीच है और आप आगे देख सकते हैं तो आगे पूरा मरीन लाइन है, वो ट्राइडेंट होटल आपको दिख रहा होगा, पूरा मरीन लाइन का एरिया है। और ये जो है ये मलबार हिल है जो मुंबई के एकदम टॉप एरियाज में आता है, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव यार मतलब क्या बता सकते हैं, उतना मैं बोल भी नहीं सकता, इतनी वैल्यू है यहाँ पे प्रॉपर्टी की, यहाँ एकदम हाई प्रोफाइल एरिया है जो आप फ्रंट में देख रहे कैमरा के। और ये जो बीच है एकदम सी फेस प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, और बीच का तो आप देख ही सकते हैं। और यार अभी तो ये पिजन हमसे बात करना चाहता है, क्या बोल रहा है, ये कैसे हो, हाउ आर यू पिजन, चल रहा है आगे आगे, उड़ मत जाना। अरे बात बताओ, पहले जैसा बीच का यार कुछ एंजॉय नहीं रहा, क्योंकि यार पानी भी बहुत गंदा हो गया और क्राउड भी नहीं यार, मतलब सब क्राउड होगा तो यार बेस्ट लगता है, अभी पानी भी बहुत गंदा हो गया, ग्लोबल वार्मिंग यार अभी बहुत उसको चीज़ें है, पोल्यूशन के वजह पानी भी बहुत गंदा है और ऊपर से क्राउड भी नहीं है, तो यार इतना मतलब इंजॉय जैसा नहीं होता, मैंने सोचा था इंजॉय करेंगे लेकिन है नहीं वैसा कुछ, पानी बहुत गंदा है यार, तो मैं तो उतर भी नहीं रहा उसमें, ऊपर से कैमरा भी मेरा डूब जाएगा तो अपना ऊपर से खर्चा हो जाएगा, इसलिए मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ, मैं आपको दूर से ही दिखा सकता हूँ। जब आप खा सकते कुछ खाना है तो सर्व टाइप का सर्व कर सकते हैं, यहाँ पे छोटे रेस्टोरेंट है आप खा सकते हैं कुछ भी खाना है। फ्रेंड्स मैं व्लॉग को शॉर्ट में ही ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यार दुख मतलब यार एंजॉय जैसा कुछ फील नहीं हो रहा, तो मैं यार इतना ही व्यू आपको दे सकता हूँ। सो सब्सक्राइब करिए अगर पसंद आया तो, मेरे को पता ही है तो व्लॉग पसंद नहीं आने वाला क्योंकि मैंने इसमें इंटरेस्ट में नहीं दिखाया और मेरे को यार थोड़ा सैड सा फील हो रहा है, तो थैंक यू व्लॉग देखने के लिए, और पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।